रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए रूस भारत जैसे अपने भागीदारों की सफलता से सीख ले सकता है। पुतिन ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में ये बात कही। रूस में बनी कारों पर एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा, आप जानते हैं हमारे पास पहले घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थीं, लेकिन अब हमारे पास हैं। ये सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में मामूली दिखती हैं। इसके आगे पुतिन ने कहा, मुद्दा ये नहीं है, मुझे लगता है कि हम अपने कई भागीदारों का अनुकरण कर सकते हैं। भारत इसका एक उदाहरण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश को सुविधाजनक बनाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इस बारे में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, वे भारत में बने वाहनों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस में बने वाहनों का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही होगा। पुतिन ने कहा, हमारे पास रूस में बने वाहन हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। इससे हमारी विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं का कोई उल्लंघन नहीं होगा। ये सरकार की खरीद से संबंधित होगा। हमें इस संबंध में एक निश्चित सीरीज बनानी चाहिए। इससे ये तय होगा कि विभिन्न वर्गों के अधिकारी किन कारों को चला सकते हैं, ताकि वे देश में बनी कारों का इस्तेमाल कर सकें। पुतिन ने भारत पश्चिम एशिया यूरोपीय आर्थिक गलियारे यानी IMEC पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसी भी तरीके से रूस को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे रूस को फायदा ही होगा।